हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डोरुआ विद्यालय तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर के अर्थियन अवार्ड के लिए चयनित। राष्ट्रीय स्तर पर 20 टीमों में डोरुआ की दो टीम। विजेता विद्यालय को मिलेगा 50,000 रुपए का पुरस्कार। विद्यालय के 10 विद्यार्थी और 2 शिक्षक करेंगे बेंगलुरु की फ्री हवाई यात्रा। कालंदी शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोरुआ के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा तैयार गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट का चयन राष्ट्रीय स्तर के अर्थियन अवार्ड 2021 के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य सोनू मिस्त्री के अनुसार विद्यालयों में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के संयुक्त तत्वावधान में नेशनल ग्रीन कोर योजना संचालित की जाती है। योजना के तहत विद्यार्थियों एवं आम जन में जल जैव विविधता एवं कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रोजेक्ट तैयार करने वाले 20 विद्यालयों को प्रतिवर्ष अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्र स्तर पर अर्थियन अवार्ड प्रदान किया जाता है। अवार्ड में विजेता विद्यालय को 50,000 रुपए, समारोह में भाग लेने के लिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को बेंगलुरु की फ्री हवाई यात्रा, 5 सितारा होटल में ठहरने की सुविधा और CEP लर्निंग मॉड्यूल से नवाजा जाता है। विद्यालय की दो टीम चयनित। डोडुआ विद्यालय के स्काउट प्रभारी सरूपराम माली, विज्ञान शिक्षक नरेश सेन एवं गणित शिक्षा टीना मिस्त्री के मार्गदर्शन में 5-5 विद्यार्थियों की दो टीम ने जैव विविधता, सस्टेनेबिलिटी और कचरा प्रबंधन सस्टेनेबिलिटी पर व्यापक गतिविधियां करके रिपोर्ट तैयार की थी। राज्य स्तर पर चयनित रिपोर्ट को CEE के माध्यम से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु भेजी गई, जहां विशेषज्ञों के पैनल द्वारा श्रेष्ठ 20 टीम में विद्यालय के दोनों टीमें अवार्ड के लिए चयनित हुई। राजस्थान से अजमेर जिले का भी एक विद्यालय चुना गया। सभी चयनित विद्यालयों को फरवरी माह में बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय को तीसरी बार मिलेगा अवार्ड। विद्यार्थियों एवं आम जन में पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए बेहतरीन गतिविधियों पर आधारित प्रोजेक्ट के लिए विद्यालय का तीसरे बार चयन होना सिरोही जिले के लिए गौरवान्वित पल होगा। इससे पहले स्काउट प्रभारी सरूपा राम माली के मार्गदर्शन में 2019 में जैव विविधता सस्टेनेबिलिटी और 2020 में जल सस्टेनेबिलिटी के लिए विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुका है। जैव विविधता सस्टेनेबिलिटी की गतिविधियां। टीम प्रभारी टीना मिस्त्री के मार्गदर्शन में हीरा प्रजापत, अमिया सुवारा, भावना चौधरी, हितेश छीपा और शंकर दिवासी ने विद्यालय एवं गांव के आसपास पाए जाने वाले जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियों की आपसी निर्भरता की जानकारी, पर्यावरण संतुलन में उनकी उपयोगिता, कचरे में खाद बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन, वैश्विक पर्यावरण को समझने के लिए टेरेडियम निर्माण, पशुपालकों और शहद बेचने वालों के साक्षात्कार, जीवों पर आधारित कहावतों, मुहावरों, परंपराओं और मान्यताओं का संकलन, हमारी दैनिक क्रियाकलापाओं का ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी जुटाने संबंधी गतिविधियों को रिपोर्ट में शामिल किया गया। कचरा प्रबंधन सस्टेनेबिलिटी की गतिविधियां। विज्ञान शिक्षक नरेश सेन के मार्गदर्शन में झालाराम निवासी दिनेश मेघवाल, किशोर कुमार, झालाराम रबारी एवं शंकरलाल मेघवाल ने कचरे के प्रकार, विद्यालय और घरों में कचरा पैदा करने वाले स्थानों की जानकारी, प्रतिदिन तैयार होने वाले कचरे की मात्रा की ऑडिट, कचरे का वर्गीकरण, कचरा निस्तारण की विधियों की जानकारी, पर्यावरण पर कचरे के दुष्प्रभावों की जानकारी, विद्यालय और घरों को कचरा मुक्त करने की विधियों की जानकारी, परंपरागत और आधुनिक समय में कचरे का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों के साक्षात्कार, परिवर्तनकर्ता के रूप में विद्यार्थियों की भूमिका आदि का संकलन एवं दस्तावेजीकरण करके रिपोर्ट तैयार की गई। विद्यालय निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक पाली श्याम सुंदर सोलंकी भी प्रोजेक्ट का अवलोकन कर कार्य की सराहना कर चुके हैं। इनका रहा सहयोग।
प्रधानाचार्य सोनू मिश्री के अनुसार इस उपलब्धि का श्रेय टीम प्रभारियों के साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार को जाता है, जिसमें हुनर सिंह देवड़ा, मोहनलाल, टीना मिस्त्री, नरेश सेन, सरूपा राम माली, सुबोध सिन्हा, चंचलावती, ओम प्रकाश रावल, हिम्मत सिंह चारण, प्रताप सिंह, रंजी स्मिथ, सुरेंद्र सिंह, लीला जोशी, प्रीति सिंदल, जयश्री खत्री एवं मीनाक्षी चौहान ने सहयोग किया। जागरूक टीवी की कालंदरी से खास रिपोर्ट।